Hello everyone, welcome back to the online summer course 2020. This lecture is for class 11th and हम लोग जो 11th class में अभी cover कर रहे थे, that is our quadratic equation, right? तो quadratic equation को हम लोगों ने start किया था, तो जो लोग भी इस video को first time देख रहे हो, कृपया पहले जाकर quadratic equation के पहले दो lecture को complete करो. It means this lecture is the third lecture of quadratic equation, right? तीसरा lecture है हमारा, तो मैं एक बार short में revise करा दूं कि हम लोगों ने क्या अभी तक पढ़ा है दो lecture में जल्दी से. तो जल्दी से अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, ओवरऑल जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पुराने कंसेप्ट है क्लास 10 तक के बेसिक कंसेप्ट, तो वो सारा कंसेप्ट मैंने आपको रिवाइज कराया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर. और मैंने बोला था कि बहुत सारे ऐसे जेई में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो बहुत आसान है क्वेश्चन, जो कि क्लास 10 के बच्चे भी अच्छे से अगर समझ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है. सेकेंड लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होके आ जाता है क्योंकि उस लेक्चर में मैंने जेई में आए हुए पुराने क्वेश्चंस करवाए थे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर पूछे गए थे, और हम लोगों ने देखा था कि कितने आसान तरीके से हम लोग उस क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर सकते हैं. जेई में, जेई और मेंस में भी पूछा गया है, तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया था लेक्चर 2 के अंदर. तो आज का जो ये लेक्चर है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक पूरा नया कंसेप्ट होगा जो लोग 10th से अभी 11th क्लास में आए हैं, बिकॉज ये चीज आप लोग अभी तक नहीं पढ़े होंगे, ठीक है. क्योंकि जो भी 10th तक का सिलेबस था वो कुछ एक लिमिटेड है कि वहीं तक पढ़ना है. 11th में हम लोग ग्राफ वगैरह एनालाइज करते क्वाड्रेटिक का, ठीक है, डिटेल्ड वे में ग्राफ को बनाना सीखते हैं, तो वो सारा चीज हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे. तो जल्दी से आज के लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक होमवर्क दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में, तो मैं पहले वो डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है. तो ये होमवर्क था लास्ट लेक्चर का. जल्दी से मैं अगर बताऊं तो यहां पे क्वेश्चन में दिया गया था कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन द कमेंट ऑन द रूट ऑफ इक्वेशन दिस. आपको क्या बोला गया कि ये वाला इक्वेशन का रूट रियल और डिस्टिंक्ट है, ठीक है. तो आप इस इक्वेशन के रूट के ऊपर कमेंट करो, आइदर रियल होगा, इमेजिनरी होगा, या रियल इक्वल होगा, या रियल डिस्टिंक्ट होगा. रियल में दो तरीके के रूट्स हैं, राइट. तो ये आपको करना है. तो ये बेसिकली किस टॉपिक के अंदर का है, तो ये नेचर ऑफ रूट्स का सवाल है, राइट. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था नेचर ऑफ रूट्स के कई सवाल हम लोग देखे थे, और ये वाला मैंने होमवर्क दिया था. तो फटाक से इसको बनाते हैं. तो यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो इसका डी क्या हो जाएगा जी, इसका डी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, राइट. इसका डी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा. तो आपको पता है जब डी ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू ना लगाना आप. क्यों इक्वल टू, अगर जैसे ही लगा दोगे तो वो तो इक्वल का कंडीशन है ना, तो यहां इक्वल नहीं है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है. अगर सिर्फ रियल होता तो आप लोग इक्वल टू का साइन को लेकर चलते, राइट. लेकिन रियल एंड डिस्टिंक्ट मेंशन किया गया है, तो आपको क्या लगाना है, डी ग्रेटर देन जीरो. तो इसका डी ग्रेटर देन जीरो मतलब डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, ये ग्रेटर देन जीरो है. तो ये बी स्क्वायर क्या है, माइनस टू सी है, तो माइनस टू सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, फोर सी स्क्वायर माइनस फोर ए बी. यही आने वाला, ए तो वन है और सी कितना, ए बी, तो वही मैंने लिख दिया, ये ग्रेटर देन जीरो है. तो यहां से आपको पता चला फोर को कॉमन लेके उधर चल ले जाओ, तो सी स्क्वायर माइनस ए बी कितना आ गया, ग्रेटर देन जीरो. ये वाला कंडीशन हम लोग के पास निकल के आ जाता है. और जल्दी से हम लोग कोशिश करते हैं कि इस इक्वेशन के रूट पे हम लोग कैसे कमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस. इसको हेल्प लेकर क्या इस इक्वेशन के रूट पे कमेंट किया जा सकता है, नाउ लेट्स चेक, ठीक है. चेक करते हैं इसका. तो इसका भी डी देखना ही पड़ेगा. अब किसी के रूट्स पे कमेंट करना मतलब उसके डिस्क्रिमिनेंट को आपको देखना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट के साइन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है. इसको चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगेन ये तो सेम है. बी क्या है, माइनस टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ये तो फोर आने वाला है, और ये आने वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है. माइनस माइनस फोर, ए तो वन है और सी कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर, यही हमारे सामने. इसको मैं अगर ओपन करूंगा तो ये आएगा फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस एट, टू ए बी इंटू फोर प्लस एट ए बी, माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर माइनस एट सी स्क्वायर, यही आने वाला अपने पास. तो यहां देखो फोर ए स्क्वायर कट गया, फोर बी स्क्वायर कटा, बचा क्या, एट कॉमन ले लोगे तो बचा ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है. इसको हम लोग ऐसा कर सकते क्या, इसको माइनस कॉमन निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए बी. समझने के लिए बस माइनस कॉमन लोगे, ऐसा क्यों मैंने किया, क्योंकि यहां सी स्क्वायर माइनस ए बी क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. आपको पता है कि दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी एंड हियर निगेटिव साइन इज देयर, सो दिस विल मेक द ओवरऑल टर्म निगेटिव. ये पूरे टर्म को क्या बना देगा, निगेटिव. तो जैसे ही पता चल गया इसका डी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, इसका डी क्या आ गया, निगेटिव आ गया. तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे इमेजिनरी, इसके रूट्स हो जाएंगे
इमेजिनरी। तो जो लोग कमेंट किए थे इस वीडियो के नीचे कि इमेजिनरी आएगा लास्ट वीडियो के नीचे, तो दैट वॉज द राइट आंसर। ठीक है, जल्दी से हम लोग आगे के लेक्चर को बढ़ाते हुए नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है यार अब आगे का जो भी चीज है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, कहीं भी दिक्कत हो तो आप बिना कुछ सोचे समझे व्हाट्सएप ग्रुप जो भी सपोर्ट आपको दिया गया है उसका हेल्प ले सकते हो। ठीक है, कॉल वगैरह या ग्रुप या मैसेज कुछ भी। चलो जल्दी से बढ़ते हैं। तो आज मैं हम लोग पढ़ने वाले बेसिकली ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लिख लो टॉपिक, लिख लो ग्राफ तो पहला काम हम लोग देखेंगे। इसमें दो चीज पढ़ना है मेनली हम लोग को, क्या पढ़ना है कि हम लोग को किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाए कैसे। ठीक है, हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर आर सर्टेन स्टेप्स यू हैव टू फॉलो दैट। ठीक है, आप उस स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आराम से प्लॉट कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं होता कि एग्जैक्ट ग्राफ, एग्जैक्ट ग्राफ मतलब पूरा एक एक चीज पॉइंट सब मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। एक रफ ग्राफ कि हाँ भैया ऐसा ग्राफ होगा, मतलब उसका मिनिमा या मैक्सिमम जो वैल्यू वो सही रहना चाहिए, वर्टेक्स सही रहना चाहिए, तो वो सब कुछ चीजें हैं। ठीक है, तो वो चीज सही रहना चाहिए, बाकी ग्राफ बाकी तो वैसा सेफ, एक अप्रोक्स सेफ हम लोग देते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाना हम लोग सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसके पहले कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है, तो ग्राफ बनाना सीखने से पहले आप लिख लो, आप एक टॉपिक अभी हम लोग देखने वाले, छोटा सा टॉपिक। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस, डिफरेंट केसेस ऑफ क्वाड्रेटिक, डिफरेंट केसेस ऑफ क्वाड्रेटिक। पहले हम लोग अलग अलग क्वाड्रेटिक के कितने अलग अलग पॉसिबल केसेस हैं ग्राफिकली लिख लो, ग्राफिकली ग्राफिकली हम लोग इसको देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ग्राफ बनाया कैसे जाता है। पहले आप आइडिया तो ले लो कि बेसिकली केसेस कितने पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डी के साइन पे डिनोट करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, डी के साइन पे। तो ये चीज मैं आपको पहले भी बता दिया था, अभी भी आप लिख लो। यहां पे तीन पॉइंट आपके सामने होंगे, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, सेम पॉइंट्स रिपीट होंगे बट आप लिख लो, आपको नोट्स बनाना है अच्छे से, आप लिख लो क्योंकि बाद में ये कहीं ना कहीं काम देने वाला है जब आप रिवाइज करोगे चीजों को अच्छे से। ठीक है, तो इसमें साइन लिख लो, यहां पे अगर d ग्रेटर देन जीरो होता है, d अगर ग्रेटर देन जीरो, दूसरा केस क्या है, d इक्वल टू जीरो, और तीसरा केस क्या है, आप समझ गए होंगे, d लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये तीन केसेस हैं अपने पास, और तीन केसेस में मान लो d ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या केस होता है, आपको पता है कि इस केस में रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और मेनली हम लोग ये रूट्स को नहीं देख रहे, हम लोग बेसिकली ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी d ग्रेटर देन जीरो होगा, इट मींस बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों रियल होंगे और दोनों अलग अलग रूट्स होंगे। इसका मतलब ग्राफिकली हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो जो ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक का, वो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पोर्शन पार्ट पे, दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। इसका यह मतलब हुआ दो रियल रूट का मतलब। तो वही चीज यहां पर शब्दों में हम लोग लिख लें एक बार। ठीक है, तो लिखो यहां पर ग्राफ ऑफ, इसको ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, डिफरेंट केसेस ऑफ क्वाड्रेटिक, यहां पर इक्वेशन लिख लेना। यहां पर आप क्वाड्रेटिक किसको बोल रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इस चीज को देख रहे हैं, तो लिख लेना। देन द ग्राफ ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन द ग्राफ ऑफ ax स्क्वायर प्लस b ऑफ bx प्लस c विल कट द x एक्सिस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये चीज जान लो आप। पहला चीज कि अगर d ग्रेटर देन जीरो है तो आपको समझ में आ गया, और d ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे आप शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हो, ब्लू से मैं लिख देता हूं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक, और ग्राफिकली क्या आप देख सकते हैं, ग्राफ ऑफ दिस विल कट द एक्स एक्सिस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, इसको वाई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो। ठीक है, द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल कट द एक्स एक्सिस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स।
ठीक है, आपको समझ में आ गया कि रियल रूट्स मतलब कहीं ना कहीं, अच्छा रूट्स ग्राफिकली रूट्स का क्या मतलब होता है, किसी भी इक्वेशन का रूट्स का ग्राफिकली ये मीनिंग होता है कि रियल रूट्स का ग्राफिकली ये मतलब होता है कि वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करे, तो मैं वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। दूसरा केस आप लिख लो कि डी इक्वल टू जीरो हो जाए, डी इक्वल टू जीरो हो जाए, तो यहां पे आप क्या लिखोगे नीचे में कि रियल एंड इक्वल रूट्स, राइट, यही तो लिखोगे रियल एंड इक्वल रूट। अच्छा इधर क्या लिखोगे, तो इधर सर हम लोग लिखेंगे कि देन द ग्राफ ऑफ, देन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जो ग्राफ होगा विल टच द एक्स एक्सिस, विल टच द एक्स एक्सिस, और टच बोलने का मतलब ही होता है कि एक पॉइंट, क्योंकि जैसे एक से ज्यादा पॉइंट पे मतलब वो तो इंटरसेक्ट हो गया, तो वो तो ऊपर वाला मीनिंग हो गया, ठीक है, विल कट या कट और इंटरसेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। और यहां पे हमने क्या बोला, यहां पे बोला टच, तो टच मतलब एक ही पॉइंट पे टच करता हुआ निकल जाएगा, या तो ऐसा निकलेगा या तो ऐसा निकलेगा, राइट है। चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं अपन, तो तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट लिख लो क्या है, डी लेस देन जीरो, अगर डी लेस देन जीरो होता है तो यहां पे क्या हो जाएगा, कौन सा रूट्स होगा, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स। यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नाइदर कट्स नॉट टचेस द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में क्या देखते हैं, अगर d लेस देन जीरो होता है, इट मींस इसका क्या मतलब है कि इमेजिनरी रूट्स, अच्छा इमेजिनरी रूट्स मतलब वैसा पॉइंट जो उसको वो इमेजिनरी नंबर है, वो इमेजिनरी नंबर को जब हम लोग x के जगह पे पुट करते हैं तो वो जीरो आता है, इसका मतलब वो असल में कोई रियल नंबर पे जीरो नहीं आ रहा है, तो मतलब वो ना ही ग्राफ को टच कर रहा होगा कहीं पे और ना ही कट कर रहा होगा, क्योंकि वैसा कोई नंबर ही नहीं है x एक्सिस पे, x एक्सिस पे कोई वैसा नंबर ही लाई नहीं कर रहा है जिसपे y क्या हो रहा है, जीरो हो रहा हो, तो y कभी जीरो होगा ही नहीं, तो या तो अपवर्ड जाएगा या तो डाउनवर्ड जाएगा ग्राफ, ये तो बहुत आसान से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये केस लिख लो, उसके बाद मैं ग्राफिकली समझा रहा हूं इस चीज को, इसको लिख लो, मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलो अब ग्राफिकली यहां पे समझते हैं, ठीक है, अब देखो तो यहां पे मैं एक ही ग्राफ में पूरा सारा कुछ प्लॉट करने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से देखना चीजों को आप, ये मान लो x एक्सिस है, ठीक है, y एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, वो कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है, कहीं पे भी समझ लेना कि y एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां सेपरेट अलग अलग कंडीशन के ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं एक ग्राफ हो गया ऐसा, ठीक है, एक ग्राफ हो गया ठीक है, एक ग्राफ हो गया ऐसा, राइट, ठीक है, अब मान लेते हैं दूसरा ग्राफ है ऐसा, ठीक है, उसके बाद ग्राफ है ऐसा, उसके बाद ग्राफ है ऐसा। देखो यहां पे आपके सामने टोटल देयर आर सिक्स ग्राफ्स इन फ्रंट ऑफ यू, और ये सारे छह ग्राफ से मैं आपको यहां पे कुछ कंक्लूजन देना चाहता हूं, ध्यान से समझे चीजों को, तो उसके बाद हम लोग ग्राफ का मेन आइडिया देखना चाहते हैं। तो जितने भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं ग्राफ के, क्वाड्रेटिक के, इससे ज्यादा और पॉसिबिलिटीज क्रिएट नहीं किए जा सकते, दीज आर ऑल द पॉसिबल ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये छह के छह अलग अलग पॉसिबल है। यहां मैं थोड़ा सा आपको डेप्थ में समझाऊं, तो ये वाला जो ग्राफ है ये कब फॉर्म होगा, इसका मतलब ये कि ये अलग अलग दो पॉइंट में कट कर रहा है, मतलब रियल रूट से कट कर रहा है, मतलब दो रूट से इसके, और दोनों क्या है, रियल है, क्योंकि दोनों रियल नंबर पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस से रियल नंबर, ठीक है, यहां पे लिख लो एक्स एक्सिस, राइट। अब यहां पे अगर देखेंगे हम लोग तो दो पॉइंट है, तो इसका मतलब एक चीज तो पक्का है कि क्या है इसका, डी ग्रेटर देन जीरो, अच्छा ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये कब करता है, जब इक्वल एंड रियल रूट्स होते हैं, तो डी क्या होता है इसमें, इक्वल टू जीरो, ये तो एकदम ऊपर आ गया, ना ही टच कर रहा है ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका डी क्या है, लेस देन जीरो। अगर यहां पे बात करें तो इसका भी डी क्या होगा, क्योंकि टच कर रहा है तो इक्वल टू जीरो होगा, नाइदर टच नॉर कट
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी लेस देन जीरो होगा। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ डी ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि दो रियल पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होता है तभी वो करता है, राइट। अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट साइन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आप लोग को भूलना नहीं है, वो होता है ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बताया मैंने, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके सामने, यहाँ जो ए है, यहाँ जो ए बंदा ये बैठा हुआ है ना ए, इसका साइन जो है ना ये डिपेंड करता है आपको ये बताने में कि ग्राफ ऊपर की तरफ मुंह खोले हुए है या फिर नीचे की तरफ मुंह खोले। तो जब ये पॉजिटिव होता है, एट अगर पॉजिटिव हो जाता है तो अपवर्ड होता है ग्राफ, तो ये अपवर्ड है, मतलब इसका ए क्या है, पॉजिटिव है। ये भी अपवर्ड है, इसका भी ये क्या है, पॉजिटिव है। ये भी अपवर्ड है, इसका ये क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। यहाँ भी क्या है, निगेटिव है। यहाँ क्या है, निगेटिव है, समझ रहे हो। तो ये छह अलग अलग केसेस, और इसमें जो जिसपे साइन, जिसके साइन पे डिपेंड कर रहा है वो है ए, स्मॉल ए एंड कैपिटल डी। डी इज फॉर डिस्क्रिमिनेंट एंड ए इज द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये चीज है। तो क्या यहां से हम दो चीज कंक्लूड कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टार लगा के लिख लो, ठीक है। यहां से मैं दो पॉइंट लिखवा रहा हूं। पहला पॉइंट ये कि इफ ऐसा है कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो, इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, ठीक है। फॉर दिख रहा है क्या आपको, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, शायद इधर वाला ना दिखे। यहां से आप ऐसा लिख सकते हो, ये यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बनाया है वो ये है कि इफ इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब एक्स आप कुछ भी रखो दुनिया में, कोई भी रियल नंबर रख लो, ये अगर हमेशा ग्रेटर देन जीरो आता है, मतलब वाई का वैल्यू, ये क्या है एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली वाई, ये तो वाई के बराबर है ना, तो वाई हमेशा ग्रेटर देन जीरो आता है। तो यहां पे कौन से ग्राफ में वाई हमेशा ग्रेटर देन जीरो, कौन से ग्राफ में, छह ग्राफ में एक ही आपको मिलेगा ग्राफ जिसमें वाई हमेशा ग्रेटर देन जीरो है। तो मतलब वाई एक्सिस पे जो ग्राफ है ना वो वाई निगेटिव हुआ ही नहीं है। तो इस ग्राफ को आप देख लो ना, ये वाला जो ग्राफ है ये कभी निगेटिव वाई, मतलब वाई कहीं भी रहता, मान लो ये वाई एक्सिस रहता तो यहाँ पे जीरो होता वाई, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो ये कभी निगेटिव नहीं गया। ये ग्राफ को देखते ये तो भाई यहीं से यहीं तक पॉजिटिव है, बाकी तो ये पूरा निगेटिव है। अगर एक्स को यहां रख दे तो ये निगेटिव आ जाए, लेकिन इस केस में एक्स को यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, सारे केसेस में ये क्या आएगा, पॉजिटिव है। तो अगर वाई मतलब पूरा क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, चाहे आप एक्स को कोई भी रियल नंबर ले लो, ये तभी पॉसिबल होता है व्हेन एवर बी देन बी लेस देन जीरो एंड ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। देन बी लेस देन जीरो एंड ए ग्रेटर देन जीरो, ये दोनों कंडीशन तो वाइस वर्सा अपने आप को सेटिस्फाई करता है। अगर ये होगा देन ये दोनों होना चाहिए, अगर ये दोनों हो रहा है देन ये होना चाहिए। ये चीज आपको समझ में आ गया, मतलब आप चीजों को अच्छे समझ लो। यहां पे एक और पॉइंट बना के लिख लेना, ठीक है। दो पॉइंट है अपने सामने, एक ये वाला, दूसरा ये लिख सकते हो इसी का ऑपोजिट, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन इस केस में इसका कौन सा ग्राफ है, हमेशा निगेटिव, हमेशा निगेटिव। तो ये वाला केस है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देन डी लेस देन जीरो एंड ए भी लेस देन जीरो, ठीक है, डी भी लेस देन जीरो एंड ए भी लेस देन जीरो। तो यहां पे दो कंडीशन हम लोग के सामने निकल के आ जाता है। इस दोनों कंडीशन को आप मार करके अच्छे से रखें, समझ लें चीजों को, ताकि आपको आगे डिफिकल्टी ना हो, क्योंकि इस चीज के ऊपर बहुत सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ चुके हैं। आप ये चीज को अच्छे से समझ जाओ यार, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली वाई को रिप्रेजेंट करता है। और ग्राफिकली वाई पॉजिटिव होना क्या मतलब है, ग्राफिकली वाई का पॉजिटिव होना किसी ग्राफ के लिए उसका ये मतलब है कि वो हमेशा ग्राफ जो है ना एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है, तभी तो पॉजिटिव होगा। एक्स एक्सिस के जैसे ही नीचे आएगा ग्राफ, वाई क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे ही टच करेगा वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टच कर रहा मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो है ना उसका, तो वाई ये चीज हमेशा पॉजिटिव, मतलब वाई कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव में ही, मतलब ग्राफ विल लाई अबव एक्स एक्सिस, अबव एक्स एक्सिस, राइट। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। नाउ अब आगे वाले टॉपिक पे आते हैं। अगर ये चीज आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया तो नया चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है।
ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टॉपिक तो हमारा यही रहेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप मान के चलो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये चीज हो गया। तो यहां पे लिख देना आप स्टेप्स टू प्लॉट, यहां पे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको ग्राफ बनाने के लिए तीन स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। मैं बता रहा हूं अगर आप तीन स्टेप्स फॉलो करते हो तो आप क्वाड्रेटिक के बहुत हार्ड से हार्ड सवाल भी बहुत आसान तरीके से समझ सकते हो, राइट। क्योंकि ग्राफ अगर आपने बना लिया यार क्वाड्रेटिक का तो चीजें तो आपको दिखने लगेगी ना कि क्या पूछा जा रहा है, सब तो आपको दिख रहा होगा ग्राफ में, तो आप उस पोजीशन पे आ सकते हो कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, राइट। थियोरेटिकली थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन जब आप ग्राफिकली चीजों को समझोगे ना तो वो आसान बन के आ जाता है आपके सामने। तो स्टेप पहला स्टेप लिखो, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है चेक साइन ऑफ ए, चेक साइन ऑफ ए। क्या करना है आपको, ए का साइन चेक करना है। ए क्या है, ए इज द लीडिंग कॉफिशियंट, या फिर ऐसा बोलो कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो चेक द साइन ऑफ ए, तो ए का साइन सबसे पहले आपको चेक करना है। तो यहां पे लिख दो कि इफ ए ग्रेटर देन जीरो देन अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ पैराबोला। जो लोग टेंथ से भी आए हो यहां पे आप लोग को अगला चैप्टर मिलने वाला फिजिक्स में, जो ये जो जब मोशन चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप वहां देखोगे कि किसी बॉल को अगर ऐसा फेंका जाता है किसी एंगल पे तो वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ बनाता है ऐसा, तो ठीक है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल ओनली, ठीक है। पैराबोला प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्चुअली प्रोजेक्टाइल पाथ क्या है, एक पैराबोलिक पाथ है, राइट। तो वहां पे आपको ये चीज पता चलेगा। तो उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ भी एक तरीके का क्या है, पैराबोला है, ठीक है। वहां पे हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ को पैराबोलिक पाथ प्रूफ करो, ठीक है। तो किसी अगर स्टोन को किसी एंगल पे फेंका जा रहा है तो ये पैराबोलिक पाथ बनाता है, ठीक। तो ये हुआ, अगर ए ग्रेटर देन जीरो तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, इफ लेस देन जीरो देन क्या बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो पहला तो आप ये चीज निश्चित कर लो कि ए का साइन क्या है, तब आगे बढ़ेंगे। तीन स्टेप है आपके सामने, बहुत बड़ा चीज नहीं है यार, बहुत आसान सा चीज है, ठीक है। अगला चेक क्या चेक करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ये चेक करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो वर्टेक्स होता है क्या पैराबोला का, तो पहले तो वर्टेक्स को समझो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो वर्टेक्स बेसिकली क्या होता है, अगर कोई पैराबोला है ऐसा तो वर्टेक्स तो ये हुआ ना, या फिर कोई पैराबोला है ऐसा तो वर्टेक्स हुआ ये, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या होता है, या तो उसका सबसे मिनिमम अगर पॉसिबल है, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम पॉसिबल है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पॉसिबल है। आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में, फिजिक्स में, जो बेसिक मैथमेटिक्स में, किसी फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम कब पॉसिबल होता है, तो आप देखोगे वहां पे क्वाड्रेटिक, कुछ क्वाड्रेटिक के मिनिमम पॉसिबल होंगे, कुछ क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम पॉसिबल होंगे। तो मिनिमम कब पॉसिबल होता है, ठीक है, जब वो क्वाड्रेटिक अपवर्ड होता है, क्योंकि ऊपर का इसमें मैक्सिमम तो डिफाइन आप नहीं कर सकते हो, लेकिन इसका इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम डिफाइन किया जा सकता है। उसी तरीके से ये वाले क्वाड्रेटिक का मिनिमम डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मिनिमम तो ये नीचे माइनस इंफिनिटी की तरफ जाता रहा है, ठीक है, लेकिन इसका मैक्सिमम, ठीक है, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वो ये वाला वर्टेक्स वाला पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, और इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग कैसे निकालते हैं, आइदर अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके तो आप जानोगे कि उस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करते एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जो पॉइंट देता है जब जीरो से इक्वेट करते तो जो पॉइंट देता है एक्स का, उस पॉइंट पे वो फंक्शन आइदर मैक्सिमम देगा या फिर मिनिमम देगा, ये चीज हम लोग जानते हैं। तो वो एक्चुअली वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट बताता है, और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, जब उस एक्स कोऑर्डिनेट को आप पुट कर दो तो पूरे इक्वेशन में तो क्या आ जाता है, वाई आ जाता है। तो यहां पे कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई टू ए, और वाई कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई फोर ए, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा यार, ये कैसे आता मैं एक बार बता दूं आपको, ठीक है। जैसे इस इक्वेशन को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे, आपको पता है कि एक बार डिफ्रेंशिएशन करने से हमें पता चलता है कि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा देगा, ठीक है, और दूसरा बार डिफ्रेंशिएट करने से अगर डबल डिफ्रेंशिएटिव लेस देन जीरो है तो क्या देगा, मैक्सिमम, अगर ग्रेटर देन जीरो तो क्या देगा, मिनिमम। तो यहां से देखो एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो वाई डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू ए एक्स प्लस बी, और जब भी इसको जीरो से इक्वेट करते तो एक्स इज इक्वल टू आएगा माइनस बी बाई टू ए। तो यही मैंने लिखा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर जब करोगे तो वहां से भी आपका सेम क्वाड्रेटिक निकल के आएगा,
चीजें समझ में आ रही है आपको? चलो अगला चीज देखते हो, y कोऑर्डिनेट। y कैसे आएगा? जब x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, जब आप यहाँ पे पुट कर दोगे इसमें, यहाँ पे और यहाँ पे, तो आपको जो पूरा मिलने वाला है वो मिलने वाला माइनस डी बाई फोर है। व्हाट डज डी रिप्रेजेंट? डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो ये हुआ कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। तो दूसरा आपका स्टेप क्या है? जब आपने ए के साइन को चेक कर लिया, तो अगला स्टेप है आपका कि आप वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालो, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ताकि हमें पता चले कि ग्राफ का वर्टेक्स कहाँ है। अब वर्टेक्स पता चल गया तो अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है? वो चीज तो आप पहले ही देख चुके हो। तो इस तरीके से हम जब चीजों को करेंगे, स्टेप थ्री। स्टेप थ्री क्या है आपका? चेक। चेक द वैल्यू ऑफ सी। अब सी क्या है भैया? सी भी यहां पे, तब से आप सी को भूल रहे थे, सी का भी अलग इंपॉर्टेंस है। तो सी क्या है? ये जो एब्सोल्यूट टर्म है ना, ये सी यहां पे आता है। तो चेक द वैल्यू ऑफ सी, बेसिकली सी किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्राफिकली सी का मीनिंग क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सी का क्या मतलब है ग्राफिकली? तो अब जब ग्राफिकली देखोगे, चीजों को अच्छे से समझोगे, तब आपको पता चलेगा कि जब हम लोग एक्स को जीरो पुट कर देते हैं, जब हम लोग एक्स को जीरो पुट कर देते हैं, उस पॉइंट पे वाई का जो वैल्यू आता है वही तो सी होता है। अब मान लो यहां पे एक्स को जीरो पुट करो, तो ये टर्म जीरो बचा सी, तो मतलब वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो, दैट इज सी ओनली। तो यहां पे लिख सकते हो आप सी एक्चुअली है क्या? वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो, यही तो सी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको वैल्यू ऑफ सी पता करना है। आप एक्स को जीरो रख के जो भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ पूछा गया है उसमें एक्स को जीरो रखो, तो सी का वैल्यू पता करोगे, सी पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, या फिर जो भी वैल्यू आ रहा है, क्या वैल्यू आ रहा है, राइट? तो ये तीन चीज अगर हम लोग को पता चल जाए किसी क्वाड्रेटिक का, तो हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक के ग्राफ को बना सकते हैं बहुत आसान से, ठीक है? तो ये तीनों स्टेप आप पहले लिख लो, उसके बाद हम लोग अच्छे से एक दो क्वेश्चन करेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप उतार लो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, ये रहा आपके सामने फटाक से ये क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन लिखो आप, अगर चीजों को अच्छे से समझे हो तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये है आपके सामने क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है? इसका ग्राफ बनाना है, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से बनाओ यार। चलो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। अब अगर इसका ग्राफ अपने को बनाना है तो हम लोग को क्या करना है? पहला स्टेप ए को, ए कितना है अपने पास? वन। तो ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो ग्राफ कैसा बना? अपवर्ड बना। बस ये दिमाग में रखो कि ग्राफ कैसा बनने वाला है, अपवर्ड बनने वाला है, बाकी चीजें हमें अभी लेना देना नहीं है, ठीक है? ठीक। दूसरा क्या चीज चेक करना है? दूसरा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए आता है, तो माइनस बी बाई टू ए, बी क्या है इसमें? वन है, तो माइनस वन डिवाइडेड बाई टू ए, ए भी वन है, तो माइनस वन बाई टू। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? माइनस वन बाई टू। वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा? तो वाई कोऑर्डिनेट आएगा माइनस डी बाई फोर है, माइनस डी, डी कितना है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी हो गया वन माइनस फोर, ठीक है? डिवाइडेड माइनस डी अपॉन फोर है, तो फोर, तो ये क्या हो जाएगा? वन माइनस फोर माइनस थ्री और माइनस थ्री बाई फोर। तो x आ गया माइनस वन बाई टू, वाई आ गया थ्री बाई फोर। अच्छा, तीसरा स्टेप क्या है? सी। तो c तो इसमें जीरो पुट करेंगे, तो यहां जीरो हो गया, प्लस जीरो हो गया, प्लस वन आ गया, तो c इज इक्वल टू क्या गया? वन आने वाला है c, तो एट c का वैल्यू कितना आ गया? वन, ठीक है? मतलब x जीरो पे y कितना है? y है वन, एट x इज इक्वल टू जीरो y क्या है? वन, ठीक है? अब यहां पे चीजों को अच्छे से देखते हैं, इस पॉइंट पे प्लॉट करते हैं, तो जो जो चीज जरूरी है यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, ठीक है? चीजें को हम लोग को समझते हैं। वर्टेक्स है माइनस वन बाई टू और थ्री बाई फोर, मान लो ये वन है, ये टू है, माइनस वन माइनस टू, ये वन है, ये टू है, यहाँ पे वन होगा और यहाँ पे टू होगा, ठीक है? अब देखो माइनस वन बाई टू कहां पे लाई करेगा, तो माइनस वन बाई टू यहाँ पे लाई करेगा सर, और थ्री बाई फोर कहां पे लाई करने वाला है, तो थ्री बाई फोर मतलब थर्ड फोर्थ ऑफ वन, मतलब यहां पे अगर इसको चार पार्ट में बांटेंगे, एक दो तीन चार, तो ये वाला पॉइंट होगा थ्री बाई फोर, तो ये पॉइंट आके आ जाएगा आपके सामने थ्री बाई फोर, और माइनस वन बाई टू कॉमा थ्री बाई फोर का कोऑर्डिनेट ये होगा,
ये बन गया वर्टेक्स आपके सामने। अब आपको करना क्या है, आपको पता है कि ये क्या बनेगा, अपवर्ड बनने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही चेक कर लिया है ए ग्रेटर देन जीरो मतलब अपवर्ड, ठीक है। तीसरा सी इज इक्वल टू वन, मतलब जब एक्स को जीरो रख रहे ना तो वाई कितना आ रहा है वन, ताकि आप ग्राफ को थोड़ा सा मतलब एग्जैक्ट थोड़ा सा एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करो, इसीलिए बस सी का वैल्यू चेक कर रहे हैं और कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। कि वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, तो ग्राफ बन जाएगा कुछ, ठीक है, ग्राफ बनेगा ऐसा। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपके सामने, समझ आ गया होगा। दिस इज द वर्टेक्स और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं -1/2, 3/4। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक का प्यारा सा अच्छा सा ग्राफ, ठीक है। इसको आप लोगों ने सीख लिया बनाना। अब ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, अब इससे रिलेटेड हम लोग कैसे सवाल पूछे गए हैं, कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं वो हम लोग करते हैं, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि अगले टाइप के क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो लिखो, अब वो क्वेश्चन शायद आप बनाओगे जरूर, लिखो। अगला जो टॉपिक है वो लिखो, रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ना बोल के यहां पे एक्सप्रेशन लिखना ज्यादा सही होगा, क्योंकि मैं बताता हूं क्यों, रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इक्वेशन का रेंज नहीं होगा, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज होता है, y का रेंज होता है, इसलिए उसको एक्सप्रेशन लिखना चाहिए, उसको जीरो से इक्वेट हम लोग अभी नहीं किए, ठीक है। तो रेंज तो उसका बता रहे, y का बता रहे हम लोग, तो रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, ये अगला टॉपिक है। यहां पे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेंज होता क्या है, तो रेंज मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी मैं बता रहा हूं कि रेंज मतलब क्या होता है, रेंज होता है y मिनिमम से y मैक्सिमम, y मिनिमम से y मैक्सिमम, ठीक है, ये हुआ आपका रेंज, रेंज इसी को बोलते हैं। चलो जल्दी से आप जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिकॉज हम लोग क्वाड्रेटिक के ग्राफ को बनाना तो सीख गए हो ना भैया, क्वाड्रेटिक के ग्राफ को कैसे बनाते हो, तो अगर हम लोग क्वाड्रेटिक के ग्राफ को बनाना सीख गए तो उसके रेंज को निकालना तो बहुत ही आसान है। अगर आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ जानते हो कि अगर मान लो ऐसा बन रहा है, ठीक है, आपको पता है वाई मिनिमम यहां जा रहा है, वाई मैक्सिमम इन्फिनाइट जा रहा है, तो रेंज लिखना बहुत ही आसान है यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आपको पता है, या तो वो इन्फिनाइट होगा या माइनस इन्फिनाइट होगा, ठीक है। अगर मान लो कोई ग्राफ ऐसा रहता है तो इसका मिनिमम क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट, और इसका मैक्सिमम क्या होगा, प्लस इन्फिनाइट। तो एक पॉइंट तो आपको पता है, इधर वो प्लस इन्फिनाइट होगा या फिर माइनस इन्फिनाइट होगा, दूसरा निकालना है, दूसरा वर्टेक्स निकालो, खत्म बात, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। चलो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं, तो लिखो फाइंड द रेंज ऑफ, क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसी क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यही शायद था, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यही क्वेश्चन था पिछला वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। तो इसके रेंज को हम लोग कैसे निकालेंगे यार, इसका ग्राफ अगर याद होगा तो मैं जल्दी से प्लॉट करता हूं, इसके ग्राफ कुछ ऐसा आया था हम लोग के पास, ठीक है, ये था, ये वाला था 3/4 और ये वाला था -1/2, यही तो ग्राफ था। हम लोग को रेंज में क्या देखना है, एक्स के किसी वैल्यू पे फोकस करना है क्या, नहीं, रेंज क्या बताता है, वाई के वैल्यू पे फोकस करना है, रेंज मतलब वाई का वैल्यू, वाई कहां से कहां तक जा रहा है। तो आप देख लो कि वाई एक्सिस जो है, ये वाला वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक वाई को कवर कर रहा है, तो आपको दिखेगा कि वाई को यहां से स्टार्ट किया कवर करना, इसके नीचे इस जो रेड वाला मैंने मार्क किया, इसके नीचे ग्राफ तो कभी जा नहीं रहा है, तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 3/4, मतलब 3/4 के नीचे ग्राफ कभी नहीं गया है। तो y मिनिमम कितना हो गया, 3/4, y मिनिमम हो गया 3/4, y मैक्सिमम कितना हो रहा है, y तो इनफिनाइट की तरफ जा रहा है यार, इनफिनाइट की तरफ, तो एक पॉइंट तो मैक्सिमम वैल्यू तो इनफिनाइट हो गया और मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 3/4। तो ये हो गया रेंज, रेंज को हम लोग y बिलोंग्स टू लिखते हैं, जैसे डोमेन को x बिलोंग्स टू लिखते हैं, उस तरीके से रेंज को y बिलोंग्स टू 3/4 से इन्फिनिटी। तो यहां से इस चीज का आंसर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ग्राफ बनाना जानते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट सा चीज है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो चीज ये है कि यहां पे जो ये दिया हुआ है ना, इसका कुछ सिग्निफिकेंस होता है, इसका कुछ अपना सिग्निफिकेंस होता है यार। क्या सिग्निफिकेंस होता है जरा देख लो, एक्स अगर पूरा रियल नंबर से बिलोंग करता है तब, मतलब ये पूरे एक्स में, ये इधर से इधर के पूरे एक्स में इसका रेंज बताना। अगर मान लो अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, अगर डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता, मतलब डोमेन मतलब एक्स के वैल्यूज,
तो x की वैल्यूज को मान लो बोलेगा ना कोई कि x यहां से यहीं तक का बताओ, यहां से यहां तक का, उसके बाद वाला को हमको नहीं लेना है। तो यहां से यहां तक का आप ग्राफ को देखो कि ये वाला ग्राफ, ऊपर वाला ग्राफ मिटाओगे, नीचे वाला ग्राफ मिटाओगे, बस इतना ही ग्राफ को लेना देना है आपको। तो इस ग्राफ में मिनिमम मैक्सिमम, तो मिनिमम तो अभी भी यही है और मैक्सिमम ये पॉइंट है, तो हम लोग चेक करेंगे यहां पे। लेकिन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है, इसलिए पूरा ग्राफ होगा और पूरे ग्राफ का हम लोग रेंज बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी यार, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, राइट, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन तो लास्ट क्वेश्चन का ही मैंने एग्जांपल करवा दिया, जिसका ग्राफ हम लोगों ने अभी बनाया था। अगला देखो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्वेश्चन है, आपको पता करना है, फाइंड ड्रॉ द ग्राफ एंड फाइंड रेंज। आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है और इसके रेंज को पता करना है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका ये करना है और आपको रेंज निकालना है। कैसे करेंगे अपन इसको, जल्दी से देखते हैं। तो जो भी स्टेप्स हम लोग को ग्राफ बनाने के, तो वो पहले स्टेप तो लिखना पड़ेगा, ग्राफ बनाओगे तभी तो रेंज का बता पाओगे। तो ग्राफ बनाने के लिए पहला स्टेप है 1a, a को चेक करो, a क्या है, a इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हो गया, अपवर्ड, ठीक है। दूसरा वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट कितना था, माइनस बी बाई 2a, और माइनस बी बाई 2a कितना है, माइनस बी मतलब 3 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2। y कितना है, माइनस बी अपॉन 4a, तो माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया, बी स्क्वायर 9 माइनस 4ac, तो 9 माइनस 8 1 डिवाइडेड बाई 4a 4, तो माइनस 1 बाई 4 आ गया। अच्छा तीसरा चीज क्या चेक करना था, c कितना है, c है 2, 0 0 पुट करो तो ये 2 आने वाला है, तो c 2 मतलब x इज इक्वल टू 0 पे y कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 2 है, राइट। हम लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किए, यहाँ पे पता चलेगा हम लोग को लेना है x का कोऑर्डिनेट 3 बाई 2 मतलब 1.5, मान लो ये 1 है ये 2 है, तो ये पॉइंट होगा 3 बाई 2, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट कितना लेना है, माइनस 1 बाई 4, तो 1 मान लो ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ यहाँ प्लस 1 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा माइनस 1, और इस माइनस 1 को चार पार्ट में डिवाइड करो, तो 1 2 3 4, तो ये पॉइंट होने वाला है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे बताने वाला है, ठीक है, दिस इज ये पॉइंट बनने वाला है। अच्छा ये पॉजिटिव की तरफ ग्राफ जा रहा है या निगेटिव की तरफ, तब आपको पता चलेगा कि अपवर्ड ग्राफ है, मतलब ऐसा बनने वाला, अगर डाउनवर्ड रहता तो ऐसा बनाते, ठीक है। एक और वैल्यू क्या था, सी एक्स इक्वल टू 0 पे वाई कितना है, 2 है, तो 2 तो यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 0 पे y 2, तो ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। अब ग्राफ बना दो यार, ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, इसको यहां से क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा अपने पास, तो ये ग्राफ बन गया ये क्वाड्रेटिक का। अब हमको क्या करना था, अब हमें बस ये चीज फाइंड करना था कि इसका रेंज क्या है। तो रेंज का क्या मतलब होता है, y मिनिमम से y मैक्सिमम, तो ये जो y मिनिमम से y मैक्सिमम है ये कैसे पता करेंगे हम लोग, तो ये ग्राफ y एक्सिस में कहां तक नीचे गया, क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला है और इसका मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो तो इनफिनाइट होगा, तो मिनिमम वैल्यू ही पता करना है। तो मिनिमम वैल्यू मतलब नीचे कहां तक गया ग्राफ, तो कहां तक गया भैया y में, तो ये पता चला माइनस 1 बाई 4 तक ही तो गया है सर, तो इसका रेंज क्या होगा, वाई बिलोंग्स टू मिनिमम क्या है, माइनस 1 बाई 4, और मैक्सिमम क्या है, इनफिनाइट, ठीक है। y मिनिमम कितना, माइनस 1 बाई 4, और मैक्सिमम कितना है, इनफिनाइट, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जल्दी से आप अगले क्वेश्चन को करें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को करते हैं, अब अगला जो क्वेश्चन है वो लिखो, अगला क्वेश्चन होमवर्क में लिखना, क्योंकि थोड़ा सा बस चेंज किया है मैंने इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आप शायद आराम से कर पाओगे। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x जब रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसका क्या करना है आपको, ड्रॉ ग्राफ एंड फाइंड रेंज, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने होमवर्क, ये क्वेश्चन को करो और इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, आप बहुत आराम से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, बन जाएगा, यस। चलो जल्दी से अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, राइट, मिटा दूं मैं इसको। अगला टॉपिक लिखो आप, अगला टॉपिक लिखो
ठीक है। अब यहां पे ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं, ठीक है, ओवरऑल अगर कंक्लूड करूं तो यहां पे हम लोग के पास पॉइंट आएगा, उसके बाद अगला टॉपिक लिखते हैं। तो लिख लेना फॉर्मूला क्या, उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, फॉर्मूला टू कैलकुलेट रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, फॉर्मूला टू कैलकुलेट रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक। तो आप बिना ग्राफ बनाया भी उसका रेंज पता कर सकते हैं। आप अगर अभी तक ध्यान दिए हो, कुछ गौर किए हो, तब आपको पता चला होगा कि एक तो y का वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा प्लस इनफिनाइट होता है या माइनस इनफिनाइट। प्लस इनफिनाइट कब होता है, जब a ग्रेटर देन 0 होता है। माइनस इनफिनाइट कब होता है, जब a लेस देन 0 होता है। तो यहां पे बना देना पहला, इफ a ग्रेटर देन 0 देन y बिलोंग्स टू माइनस d अपॉन 4a कॉमा माइनस d अपॉन 4a कॉमा क्या हो जाएगा, कॉमा इनफिनाइट हो जाएगा। दूसरा लिखना, इफ a लेस देन 0 देन y बिलोंग्स टू माइनस इनफिनाइट कॉमा कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है। ये दोनों चीजें रेंज को डायरेक्टली लिखने का तरीका, ठीक है। ये चीज हो गया, तो अब अगला टॉपिक लिखो। अगला जो टॉपिक है अपना, इसे मैं मिटा देता हूं। ये चीजें वही चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वही चीज को मैं समराइज करके लिखा। अगला जो ये लिखना है आपको वो लिखो, रेंज इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, रेंज इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। ये इंपॉर्टेंट चीज होके आ जाता है आपके लिए। यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज जो ये रिस्ट्रिक्टेड है ना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे अगर आप थोड़ा सा भी मिस करोगे, कुछ भी गलती करोगे, तो आपका आंसर गलत आके निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का क्या मतलब होता है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि यहां पे हर एक क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखा जाता है, लेकिन अगर मान लो x रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता, x का भी एक बाउंड्री कंडीशन दे दिया जाता है कि x 1 से 5 तक ही लो, 1 से 5 तक ही क्वाड्रेटिक का रेंज बताओ, तो उस केस में हम लोग ओरिजिनल ग्राफ को देखेंगे कि ग्राफ कहां से कहां जा रहा है, उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे, राइट। तो यहां पे लिख दो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन के हेल्प से मैं ये आपको बता देता हूं, आपको बिल्कुल चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन लिखना, एग्जांपल लिख लेना। एग्जांपल है y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जो पहले वाला एग्जांपल मैंने लिया था उसी एग्जांपल को आप फिर से करो अभी। तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये एग्जांपल है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 2, ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 2। तो इस केस में आपको क्या बताना है, इस चीज का रेंज बताना है, ठीक है। इस केस में आपको इस चीज का रेंज बताना है। तो जिस तरीके से हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट किए थे, मैं उसी तरीके से यहां पे अगर ग्राफ प्लॉट करूं, अगर याद हो आपको, नहीं याद होगा तो थोड़ा सा पीछे जाओ और देखो। यहां पे था, अगर मान लो ये 1 माइनस 1 होता तो माइनस 1 बाई 2 था, और ये था 3/4, ठीक है। तो 3/4 कहीं यहां पे था, तो ये पॉइंट अपने पास आया था, ठीक है। इस पॉइंट को लेके हम लोग ग्राफ बनाए थे, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा बना था, लेकिन हम लोग इस ग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 1 है और ये 2 है, तो लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि माइनस 1 से 2 के बीच में ही आपको ग्राफ देखना है। तो माइनस 1 कहां पे लाई कर रहा है, माइनस 1 सर यहां पे लाई कर रहा है, 2 कहां पे लाई कर रहा है, यहां पे। तो ये जो 2 वाला, जो ये वाला लाइन होगा, ये x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1, इसी के बीच आपको ग्राफ को देखना है, ठीक है। जैसे ये ग्राफ बढ़ता बढ़ता ऐसा जाएगा ना, बढ़ता बढ़ता कहीं यहां पे कट करेगा, ठीक है। ये भी बढ़ता बढ़ता ऐसा जाएगा, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है ये तो, लेकिन उधर वाला ग्राफ को हम लोग नहीं लेना, ना ही इधर वाला को लेना है। तो हम लोग को जो पोर्शन लेना, मैं उसको शेड कर देता हूं। तो ये वाला पोर्शन को हम लोग को कवर करना है ग्राफ में, ये वाला पोर्शन को, राइट। ये जो शेडेड पोर्शन है, इसी को कवर करना है हम लोग को ग्राफ में, मतलब यहां से यहां तक। अब ये जो रेंज है, ये देखो, ये जो रेंज है यहां से यहां तक, ये जो रेंज है, ये वाला चीज में इस वाले शेडेड पोर्शन का वाई कहां से कहां तक वैरी कर रहा है वो आपको निकालना है, मतलब इस शेडेड पोर्शन का वाई कहां से कहां बिलोंग कर रहा है वो निकालना है। अब मान लो इसमें दो केस बन सकते हैं यार, अगर मान लो शेडेड पोर्शन यहां से यहां तक जाता तो उसमें वर्टेक्स लाई ही नहीं कर रहा, वर्टेक्स तो इधर ही था, तो उसमें डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम। लेकिन यहां पे क्या है, ये बोलना सही होगा कि क्योंकि यहां पे तुम्हें पता है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट थोड़ा सा बड़ा है, फिर ये कम हो रहा है, फिर ये बढ़ रहा है, मतलब ये पूरे डोमेन में, इस डोमेन में y का नेचर, दो नेचर शो कर रहा है, पहला y घट रहा था फिर y बढ़ रहा है। तो अगर दो नेचर शो करे तो थोड़ा सा हम लोग वर्टेक्स को देखना पड़ता है। अगर मान लो एक ही नेचर शो करे, मान लो कोई डोमेन दिया, मान लो ये 1 से 2 रहता, देखो यहां पे, अगर ये 1 से 2 रहता, मतलब ये वाला पोर्शन रहता 1 से 2, अगर इस पोर्शन में रेंज निकालना होता तो इस पोर्शन में ग्राफ अपने एक ही नेचर को शो कर रहा है, वो पूरा बढ़ ही रहा है। ध्यान से समझो चीजों को जो मैं बोल रहा हूं। इस नेचर में, अगर इस कंडीशन में पूछा जाता रेंज,
तो इस कंडीशन में ग्राफ जो है ना अपने सिर्फ एक ही बार अपने मतलब एक ही नेचर को शो कर रहा है, वो पूरा इंक्रीजिंग हो रहा है। लेकिन अगर इस डोमेन में अगर हम बात करें माइनस वन से टू में, तो हम लोग को पता चला ग्राफ पहले डिक्रीज हो रहा था और फिर इंक्रीज होना स्टार्ट किया। मतलब यहां पे वर्टेक्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट को देखना ही पड़ेगा। लेकिन इस केस में वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट को देखने का कोई मतलब नहीं है। इस कोऑर्डिनेट में आप रेंज को क्या बोलोगे, इस पॉइंट पे मिनिमम देगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमम देगा, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इस केस में आप नहीं बोल सकते कि माइनस वन पे जो वैल्यू दे रहा होगा ये मिनिमम वैल्यू होगा ग्राफ का और ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि आपको पता है इससे भी छोटा वैल्यू यहां पर है जो वर्टेक्स है, राइट। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मतलब अगर वर्टेक्स जो है ना बीच में लाई करता है, इस डोमेन के बीच में लाई करता है, तो आप लोग का जो रेंज होगा वो जो वर्टेक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो मिनिमम होगा, और मैक्सिमम जो होगा इस पॉइंट पे जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, तो आपको रेंज पता चल जाएगा। तो यहां पर रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहला काम क्या करना है, चेक वर्टेक्स को क्या चेक करना है, बेसिकली वर्टेक्स का एक्चुअली आपको चेक क्या करना है कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो कहां लाई कर रहा है। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स जो कोऑर्डिनेट है ये इसके बीच लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर करता है तो थोड़ा सा मुसीबत है, नहीं करता तो चीजें और भी आसान है। मुसीबत क्या, उसको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई टू ए, और माइनस बी बाई टू ए यहां पर क्या आ गया, माइनस वन अपॉन टू। तो माइनस वन बाई टू क्या इसके बीच में लाई कर रहा है, यस सर कर रहा है, माइनस वन बाई टू इसके बीच में ही लाई करेगा। सो आप बोल सकते हो यहां पे माइनस वन बाई टू बिलोंग्स टू माइनस वन से टू, इस डोमेन में बिलोंग करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मिनिमम वैल्यू होने वाला है वो तो वर्टेक्स पे ही होने वाला है, राइट। तो यहां पे जो रेंज होगा, आप रेंज क्या बोल सकते हो, यहां पे जो रेंज आपका आने वाला है, रेंज में जो आंसर आने वाला है वो आप ऐसा बोल सकते हो, y बिलोंग्स टू एक कोऑर्डिनेट तो वर्टेक्स का ही होगा, माइनस डी बाई फोर है, क्योंकि ये अपवर्ड है ये तो आपको पता है, और ये मिनिमम क्योंकि वर्टेक्स इस पे लाई कर रहा है। तो वर्टेक्स से छोटा वैल्यू तो जिंदगी में कभी किसी का हो ही नहीं सकता क्वाड्रेटिक का, तो वर्टेक्स ही सबसे छोटा होगा। तो माइनस डी बाई फोर ए लिख दिया, यही वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है सबसे छोटा, ठीक है। दूसरा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो इनफिनाइट नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें ग्राफ यहीं तक कंसिडर करना है, तो ग्राफ बढ़ता हुआ यहीं तक जाना, और भी ऊपर ग्राफ जा रहा है लेकिन आपको इसी पॉइंट पे लेना है। तो यहां पर लिख लो y ऑफ टू, ठीक है। y ऑफ टू बोलने का मतलब दो पे इस क्वाड्रेटिक का क्या वैल्यू है। तो ओवरऑल अगर हम वैल्यू की बात करें तो माइनस डी बाई फोर ए जो था वो तो 3/4 आ रहा था शायद, अगर आपको याद हो तो। इसको तो हम लोग सॉल्व किए थे, ये क्या आ रहा था, ये आ रहा था आपका 3/4। और वाई कोऑर्डिनेट देखो, वाई मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वाई ऑफ टू। तो दो को पुट करोगे तो दो दूनी चार प्लस दो, चार दू छह प्लस एक सात, तो 3/4 से 7 आ जाएगा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा एक और चीज, अगर यहां पे 2 पे क्लोज ब्रैकेट ना होके ओपन ब्रैकेट होता, क्या होता, अगर ओपन ब्रैकेट होता तो यहां पे हम लोग उसी तरीके से 7 पे भी हम लोग क्या लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब अगर 2 डोमेन में इंक्लूड होगा देन 7 रेंज में भी इंक्लूड होगा, अगर 2 डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा इसका मतलब 7 रेंज में इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को बहुत आराम से समझ सकते हैं यार। शायद अगर ये वाला चीज आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है यार इस टॉपिक में, बहुत आसान सा क्वेश्चंस आने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे अगर आप ग्राफिकली चीजों को अच्छे से समझ गए हो। मैं एक बार और इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं ताकि मैं अगले क्वेश्चन को डायरेक्टली आपको होमवर्क में दूं। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको चेक करना है बेसिकली पहला वर्टेक्स, अगर जो भी एक्स का जो रेस्ट्रिक्ट किया गया डोमेन, अगर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ये इसके बीच लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, पहले वो चेक करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लो ये होता क्या होता, ये होता मान लो 1 से 2, ऐसा अगर बोलता एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2, अगर इसके जगह पे ये क्वेश्चन रहता तो यहां पर माइनस वन बाई टू इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है। मतलब आप लोगों को ग्राफ का सिर्फ ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, तो इस बीच में ग्राफिकली का इस बीच में रेंज क्या हो जाएगा। तो इस केस में रेंज क्या हो जाएगा, y belongs to y of 1, y of 2, क्या दिक्कत है यार, यही तो मिनिमम देगा, इस पॉइंट पे मिनिमम देगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमम देगा, क्यों देगा, क्योंकि a तो ग्रेटर देन 0 अपवर्ड बनने वाला है, मतलब वो बढ़ता जा रहा है ग्राफ, तो इस पे सबसे छोटा देगा, इस पे सबसे बड़ा देगा, यहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं था। दिक्कत कहां पे आ जाता है, अगर वर्टेक्स, अगर क्या हो जाए, वर्टेक्स जो हो जाए ना वो क्या इस डोमेन में लाई कर जाए। तो अगर वर्टेक्स डोमेन में लाई करता है तो वर्टेक्स से छोटा कभी होता है क्या कोऑर्डिनेट अपवर्ड पैराबोला का, नहीं।
तो वर्टेक्स हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। अगर डाउनवर्ड पैराबोला होता है तो वर्टेक्स से बड़ा कोई कोऑर्डिनेट होता है क्या? नहीं। तो उस तरह केस में जो होगा वर्टेक्स वो मैक्सिमम वैल्यू होगा डाउनवर्ड के केस में। तो होपफुली आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं अभी जो आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो लिख लो होमवर्क, लिख लो। होमवर्क लिखो आप। आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, सेम क्वेश्चन को लिखना है। रेंज, फाइंड रेंज, फाइंड रेंज इफ इफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो से तीन, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, इफ इफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो से तीन पे ओपन है, दोनों में अंतर है भैया, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। यहां पे क्या है, फाइंड रेंज इफ x बिलोंग्स टू, x कहां से कहां तक जा रहा है, जीरो से फोर तक जा रहा है, इसमें भी आपको रेंज बताना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप होमवर्क को बिल्कुल अच्छे तरीके से करोगे और कमेंट करोगे इस वीडियो में, वीडियो के नीचे जो भी आपका आंसर आता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे यार जल्दी। तो तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से बनाओ। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, चलो।